मदरसों से क्या दिक्कत है? तो बंद करने का इरादा है, हैं बंद पूरा 700 अराउंड 700 मदरसा बंद हो चुका है और बाकी मदरसा को कोई नर्सिंग स्कूल, फार्मेसी स्कूल, मेडिकल स्कूल ये सब बनाने का मन में इरादा है। कितना संभव होगा नहीं होगा नहीं जानता हूं, लेकिन इरादा वही है कि हमारा मुसलमान भाई बहन मदरसा में ना जाए, उसका जगह में वो लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, समाज को रोशन करे। मन में इरादा वो है, कितना कर पाऊंगा वो पता नहीं, 700 अभी तक हुआ है। तो मदरसे बंद हो जाएंगे तो विरोध, मतलब पूरा बैन मदरसे पूरा, अभी स्कूल हो गया ना। अच्छा, जो 700 सरकार चलाता था मदरसा कांग्रेस का जमाना, कोई वजह, कोई वजह क्यों? तो अभी मैंने स्कूल कर दिया, लोग खुश है। मैंने बच्चा को पूछा, तो रहते हुए भी मदरसे भी रहे, स्कूल भी रहे? नहीं नहीं, पता नहीं आपका यह सजेशन है, लेकिन मैंने जब स्कूल में गया, मैं लोगों को पूछा क्या बनना चाहते हैं बेटा? दादा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। मैं बोला आप तो गलत जगह में आ गया, यहां तो आप डॉक्टर नहीं बनेगा, यहां तो आप मौलवी बनेगा। बोले ऐसा है क्या? क्या बनेंगे? बोले आप तो मदरसा अगर पढ़ेगा तो आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? तो बच्चा बोला कि हम लोग डॉक्टर नहीं बन सकता हूं। मैं बोला ना ये स्कूल से तो नहीं बन सकते हो बेटा, क्या बनेंगे वहां से? तुमको किसने डाला? बोले मेरा पिताजी ने इसमें डाला। तो मैं बोला देखो ये तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, तुमको जब डॉक्टर बनना चाहिए था तो तुम अभी मौलवी कैसे बन सकते हो? तो इसलिए मैंने वो स्कूल को नॉर्मल स्कूल तक कन्वर्ट कर दिया हूं। अभी लड़का लड़की डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अच्छा होगा ना। बहन ने सवाल किया कि जहालत के खिलाफ जिहाद करना भी जिहाद है, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमें इस्लाम की पढ़ाई करना चाहिए कि ये आम जो हम कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन करना चाहिए। और तीसरा सवाल कि ख्वातीन के ऊपर एजुकेशन की अहमियत देना चाहिए कि नहीं। आपका पहला सवाल बिल्कुल सही था कि जहालत के खिलाफ जिहाद भी जिहाद है, बिल्कुल सही। और सबसे पहला जो पैगाम अल्लाह सुभाना व तआला इंसानियत को देते कुरान मजीद में, वो ये नहीं कि नमाज पढ़ो, हज के लिए जाओ या ज़कात दो। सबसे पहला पैगाम अल्लाह ताला देते हैं सूरह इकरा में, इकरा पढ़ो, और सिर्फ मर्दों के लिए ना, औरत के लिए भी है। तब का तीसरा सवाल कि ख्वातीन के होना चाहिए, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इट इज ऑब्लिगेटेड ऑन एवरी मुस्लिम मैन और वुमन टू अक्वायर नॉलेज, हर मुसलमान पे फर्ज है चाहे वो मर्द या औरत हो क्या वो इल्म हासिल करे। तो इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, और अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप अपने बच्चों को इल्म दो, खुसूसन लड़कियों को, क्योंकि उस वक्त जहालत में लड़कियों का कत्ल किया जाता था। कुरान नाजिल होने के पहले जब लड़की पैदा होती थी तो जिंदा दफना जाता था अरब ममालिक में, तो खुसूसन औरतों को, लड़कियों को। तो इल्म हासिल करना फर्ज है मुसलमान के लिए, जहालत के खिलाफ जिहाद करना फर्ज है, और औरतों के लिए भी। जो आपका दूसरा सवाल है, जो आखिरी सवाल है, क्या हमें इस्लाम के अलावा बाकी दुनियाई इल्म हासिल करना चाहिए कि नहीं? बेशक करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? इल्म दो किस्म की होती है, दीनी इल्म कुरान और हदीस की रोशनी में, और दुनिया इल्म भी, ये भी जरूरी है। और कई कुरान के आयत को समझने के लिए ये दुनिया इल्म भी जरूरी है, इसीलिए कुरान मजीद फरमाता है सूरह नहल में सूरह 16 आयत नंबर 43, फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर आप नहीं समझते हैं तो उनसे पूछो जिसके पास इल्म है। इसीलिए हमने बंबई में एक स्कूल कायम की जिसका नाम है इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। ये एक अलायदा स्कूल है, दो जबानों में इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक इंग्लिश और दूसरा अरबी है। हम जब बच्चों का दाखिला करते 3 साल की उम्र में हमारे स्कूल में बंबई में, उनको दोनों जबान सिखाते हैं, अंग्रेजी जबान और अरबी जबान। जब 3 साल की उम्र में दाखिला होता है नर्सरी में, हम जब सिखाते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बिस्मिल्लाह, हम सिखाते मिन अलिफ असदुन मिन बा बैतुन मिन ता तुफाहुन, क्योंकि मुसलमानों को अरबी जानना बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि मैं दाई हूं, मैं अरबी जबान नहीं जानता हूं, शोए शोए थोड़ा बहुत समझ लेता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को मैं अरबी सिखाऊं। ये स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे बेहतरीन अंग्रेजी इल्म देते हैं, और हम कहते हैं कि ये आम जो कॉन्वेंट स्कूल है उनसे फास्ट सुपीरियर इंशाल्लाह हम देते हैं। उसके साथ साथ इस्लामिक तालीम भी देते हैं। हमारे स्कूल के अंदर कुरान हदीस
सिखाया जाता है, हदीस फिक्र साथ साथ दावत सिखाया जाता है, हिफ्ज़। लेकिन हम जब इस्लाम सिखाते हैं, हम इस्लाम अरबी जबान में सिखाते हैं, अंग्रेजी उर्दू में नहीं, तो हदीस भी सिखाते हैं अरबी जबान में, कुरान की तफसीर भी होती अरबी में उर्दू में नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अरबी में भी माहिर हो। अरबी एक वक्त था जो अरबी जबान सबसे बेहतरीन जबान इंटरनेशनल लैंग्वेज कहलाती थी। अगर आपको साइंस के बारे में सीखना है, वो गैर मुस्लिम को भी मजबूरन अरबी सीखना पड़ता था अगर साइंस के बारे में तहकीक करना चाहता तो। आज की तारीख में अंग्रेजी जबान इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अरबी फिर से इंटरनेशनल लैंग्वेज होंगी। तो आप जब देखेंगे हमारे बच्चे 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे 1 साल 2 साल में जिस तरीके से अरबी जबान बात करते हैं, माशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं, तो ये जो स्कूल हमने कायम की बंबई में इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, इसका मकसद है कि दीन और दुनियाई इल्म साथ साथ बेहतरीन पैमाने पे उसको इंशाल्लाह बच्चों में देना। लेकिन इंटरव्यू पास करना मुश्किल है। लास्ट ईयर 800 एप्लीकेशन में सिर्फ 75 लोग को एडमिशन मिली, इस साल 625 एप्लीकेशन में से सिर्फ 60 लोग को एडमिशन मिली, तो एडमिशन मिलना मुश्किल है। और हमारे जो इंटरव्यू है काफी काफी कठिन है। हम इंटरव्यू वालदा का भी लेते हैं, वालिद का भी लेते हैं, बच्चे का भी लेते हैं, और इंटरव्यू में वालिद और वालदा को 2 इंटरव्यू देने पड़ते हैं कम से कम 2-3 घंटे के, बच्चों को 3 से 4। और हम तहकीक करते हैं कि कौन लोग हमारे स्कूल के लायक है। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे महंगी स्कूल होने के बावजूद लाइन लगी है एडमिशन के लिए। आप अच्छी तालीम दो, लोग आपके पास भागते हुए आएंगे। पहली साल में अल्हम्दुलिल्लाह गर्व की बात है, फख्र की बात है कि मिनिस्टर के फोन है एडमिशन के लिए, मिनिस्टर के फोन है। खुशी की बात है कि लोग चाहते हैं अपने बच्चों को इस स्कूल में डाले। और इस साल हमने, हमारे बंबई में स्कूल, ये 4th साल है बंबई में स्कूल, इस साल हमने ऐसी स्कूल का एक ब्रांच शुरू किए चेन्नई के अंदर मद्रास में, और अल्हम्दुलिल्लाह चेन्नई में भी माशाल्लाह पहले साल में 550 एप्लीकेशन आए, सीट थे लगभग 90 अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे कई स्कूल, सैकड़ों स्कूल आना चाहिए सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में, जिसका दारोमदार दोनों है, दीनी इल्मी और दुनियाई इल्मी। तो एक बच्चा जब स्कूल से फारिग होगा, वो चाहे तो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, पर डॉक्टर बनेगा तो अच्छा मुस्लिम डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा अच्छा मुस्लिम इंजीनियर बनेगा। तो 10वीं पास करने के बाद वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, मुहद्दिस भी बन सकता है, मुफस्सिर भी बन सकता है। उम्मीद है कि कम से कम वो 10वीं जब फारिग होगा तो कम से कम जो आम आलिम जो मदरसे से फारिग होते कम से कम उतना इल्म हमारी उम्मीद है। कई लोग नाराज होते जब मैं कहता हूं कि इंशाल्लाह हमारे स्कूल में से जब बच्चा फारिग होगा कम से कम एक आम आलिम बनेगा, तो नाराज होते हैं, कैसा हो सकता है, कोशिश है, अल्लाह साथ है तो इंशाल्लाह क्यों नहीं हो सकता। और बंबई के अंदर एक मिसाल दूं मैं, हर साल एक किरात का कॉम्पिटिशन होता है जो हिंदुस्तान लेवल पे जितने मदारिस है उनके बच्चे उसमें हिस्सा ले सकते हैं। कभी हैदराबाद में होता है, कभी इधर होता है, इस वक्त हुआ मुंबई में। और हमारे स्कूल को सिर्फ 3-3.5 साल हुए, 34 साल है, कुछ बच्चे 1 साल है, कुछ बच्चे 1.5 साल है चुके, कुछ बच्चे 2 साल है चुके, और सारे हिंदुस्तान के बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किरात कॉम्पिटिशन में हमारा जो एक 3री स्टैंडर्ड का बच्चा वो 2रे नंबर पे आया, और 34 स्टैंडर्ड का बच्चा 3रे नंबर पे आया, और जो पहले नंबर पे आया वो दूसरे मदारिस का था जो 9वीं स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, हमारे वहां 9वीं है ही नहीं। तो ये फख्र की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो 2nd और 3rd के बच्चे जो थे वो 9वीं 10वीं बच्चे से कम्पीट करके अल्लाह के फजल से 2रे और 3रे नंबर पे आए। तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, इंशाल्लाह हमारे स्कूल में हिफ्ज़ भी है, हाफिजा भी होता है, जो बच्चे हिफ्ज़ में धहीन है, तो इस तरीके से और स्कूल सारे हिंदुस्तान के शहरों में होना चाहिए ताकि हमें दोनों पे महारत है, इस्लामी इल्म पे भी और दुनिया इल्म पे भी। जब हम देखते हैं ये क्रिश्चियन ईसाई प्रीस्ट जब दुनिया में बाहर निकलता, लोग उसकी इज्जत करते, लोग फख्र से देखते हैं। अफसोस की बात है कि इस्लाम में ऐसा नहीं है, इसीलिए हम ऐसे स्कूल कायम करें जो दोनों इल्म दे, दुनियाई भी और दीनी भी, ताकि इंशाल्लाह हम सही तरीके से बच्चों को इल्म दे सके। होप दैट्स